हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज थोड़ी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ जस्ट बिकॉज मार्केट में ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है करने के लिए, तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं आपको कुछ स्टॉक्स से रिलेटेड यहाँ पर बातें बताई जाए, ताकि वो स्टॉक्स गिर रहे हैं तो कहाँ तक गिर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे जो हमारे आईटी के स्टॉक्स हैं वो ऐसे ऐसे बॉटम तक आने वाले हैं कि वहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ सकती है। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा, ये आपका चैनल है इन्वेस्ट फॉरएवर, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले आपको वीडियो मिले, और यहाँ नीचे नंबर दे रखे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर एक स्टॉक बताया है मैंने 103 रुपए का है, जिसमें इन्वेस्ट करके ओके आप यहाँ पर करोड़पति बन सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस स्टॉक 103 रुपए की मैंने आज इसमें पोजीशन ली है 103 रुपए पे, ओके 103 रुपए 90 पैसे के आसपास। तो इस स्टॉक्स में आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, इसमें आप इन्वेस्ट करके सीधे जो नैसडेक की 100 कंपनीज है उसमें सीधे आप इनका इन्वेस्टमेंट होगा। इसका नाम है मॉन 100 के नाम से आप डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जाके वीडियो देख ले क्यों बता रहा हूँ। और जिसमें कैलकुलेशन थी वो थोड़ी सी गलती, मैंने आपको 1.50 करोड़ का प्रॉफिट बताया था, बट वो एक्चुअली 15 करोड़ 50 लाख का प्रॉफिट था। क्यों? क्योंकि वो शेयर बीच में 2021 में स्प्लिट भी हुआ था 10 में, तो वहां 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे 15 करोड़ का प्रॉफिट। तो यहां पर 10 साल में इस कंपनी ने 1300% से ज्यादा की रिटर्न दी है, जाके देख लीजिए समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को तो जरूर देखिए और शेयर करिए, ताकि समझ में आए कि कोई भी यहां मार्केट में ऐसे शेयरों में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकता है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो हमने कल स्टॉक बताया था, कल रात को मैंने लास्ट में ही वीडियो बनाई थी, देखिए यहाँ लिख भी रहा है मोतीलाल ओसवाल नैसडेक 100 ETF, मतलब जितनी भी नैसडेक की कंपनी है वहां पर ये सारे का सारा इन्वेस्टमेंट रहता है इनका। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, एक बेहतरीन सपोर्ट पे ये चीजें चल रही है, यहाँ से टूटा तो सीधे यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। तो मैं ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको हमेशा याद रखिएगा बाय ऑन डिप्स का ही सहारा लेना है। और यहाँ पर मैं नैसडेक कल देख रहा था, नैसडेक में यहाँ पर एक अच्छी खासी यहाँ पर देखेंगे उछाल यहाँ पर देखी गई थी, और जो मैंने लेवल कल आपको बताए थे कि यहाँ पर ये सपोर्ट नजर आता है, तो देखिए उसी सपोर्ट को यहाँ पर इसने कल रेस्पेक्ट दिया, और उसी सपोर्ट को यहाँ पर रेस्पेक्ट देके चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दी। बट अभी ये यहाँ पर कोई भी ऐसा बाइंग का सिग्नल नहीं बना है कि यहाँ पर ऊपर ही जाएगी चीजें, तो यहाँ पर कोई ऐसी कैंडल बने जो यहाँ पर बुलिश कैंडल हो, तब उस दैट केस में हमारे पास ये ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर इस रेंज में घूम सकता है या और गिर सकता है, लेट्स सी, मार्केट को देखते रहिए तो आपको पता चलेगा। कल मैंने आपको डो जोन्स का यहाँ पर बताया था कि डो जोन्स में किस तरीके से यहाँ पर गिरावट हो रही है, और इसे सपोर्ट लेता हुआ ये मुझे नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर अपने सारे सपोर्ट को तोड़ गया, बट इसने का जो ये लाइन बन रही थी, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, इधर से ही देखिए यहाँ पर से ही ये भागता हुआ नजर आया, ओके, बट अपने यहाँ पर रेजिस्टेंस को तो ये क्रॉस नहीं कर पाया, बट इसने सपोर्ट पे ही आके रुक गया। तो यहाँ पर आके कंसोलिडेट करता है, चीजें अच्छी रहती है और ऊपर जाती है, तो यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर मूव मिल सकता है। तो होप करिए कि यहाँ से ज्यादा नीचे ना गिरे, तो यहाँ पर कुछ दिन कंसोलिडेट करके चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है। और ऐसे ही डोजन्स फ्यूचर में अगर आपको दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि डोजन्स फ्यूचर आज लगभग 96-95 पॉइंट्स यहाँ पर ऊपर है, ओके। यहाँ पर भी देखिए इसी चीज को यहाँ पर सपोर्ट लिया है इसने, और यहाँ पर सपोर्ट लेके ओके यहाँ पर ऊपर की तरफ ही, यहाँ पर अगर इसके नीचे नहीं आता, याद रखिए इसके नीचे आया तो गिरावट होती हुई दिखाई दे सकती है, और फिर ये गिरावट इसे सीधे के सीधे यहाँ पर लेके जा सकती है और यहाँ पर लेके जा सकती है। तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, मैं हमेशा आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी 50 में मैंने कल आपको बता दिया था जब डो जोन्स गिर रहा है, ओके, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इंडिया विक्स मुझे क्या नजर आता है, वो भी मैंने आपको बताया था कि इंडिया विक्स यहाँ पर जाएगा, यहाँ से टच करके शायद नीचे आ जाए, उस केस में हम यहाँ पर बच सकते हैं, बट अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ गया तो याद रखिए इंडिया विक्स और भी यहाँ पर बुरे हाल कर सकता है। पर इंडिया विक्स अगर ने बुरे हाल किए तो याद रखिए मार्केट में और ज्यादा गिरावट होती हुई नजर आ सकती है। तो निफ्टी 50 यहाँ पर देखे जो ये सपोर्ट लाइन थी इसे क्रॉस कर चुका है, अब सीधे ये इसका एक सपोर्ट है, ओके, या तो इसके ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर चलता रहे आज के दिन में, इसके ऊपर बंद और यहीं कंसोलिडेट करके ऊपर जाए, या फिर यहाँ पर आके ये रुकेगा, या फिर यहाँ पर आके रुकेगा। तो यहाँ पर आप तैयार रहिएगा इस चीज के लिए। तो ये सारी की सारी बात होगी निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप, मैंने आपको कल पूरा का पूरा व्यू दे दिया था कि
किस तरीके से क्या यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर देखिए निफ्टी स्मॉल कैप कि यहाँ पर मुझे गिरता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए कल ऑलरेडी यहाँ पर लाइन खींच दी थी और आज अच्छी खासी 2 से 2.5% की यहाँ पर गिरावट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सपोर्ट मुझे अच्छा नजर आता है, यहाँ तक रुक गया तो वेल एंड गुड, अगर यहाँ पर नहीं रुका तो याद रखिए हालत थोड़ी सी और खराब होती है नजर आएगी और शायद यहाँ पर पूरा का पूरा ये राउंडिंग बॉटम बना के ओके फिर यहाँ पर चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे। तो याद लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, तो हम होप करेंगे कि ये लेवल ना देखना पड़े, यहीं से ही चीजें ऊपर यहाँ पर जो 8700 जो मैंने आपको लेवल बताया था यहीं से ही ऊपर चले जाता है तो वेल एंड गुड है। निफ्टी मिड कैप की भी बात कर लेते हैं, निफ्टी मिड कैप में भी देखिए मैंने आपको सारे लेवल्स बताए थे कि किस तरीके से ये यहाँ पर जाने के लिए आतुर है और निफ्टी 50 नीचे आ रही है, निफ्टी मिड कैप आ रही है, सारे सपोर्ट ऑलरेडी दे रखे हैं और मुझे क्या लगता है कि यहाँ तक टच करेंगे ही करेंगे। ओके यहाँ पर टच करके फिर चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देगी ओके और अच्छे खासे रिटर्न मिलते हुए फिर एट दैट मोमेंट यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, आप अगर बेकार शेयर में निकलिए और अच्छे शेयर में यहाँ पर पोजीशन ले लीजिए क्योंकि वो भी 40% गिरे हुए हैं, अच्छे शेयर 40% गिरे हुए हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो उन्हीं स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे डीमार्ट की। डीमार्ट आपके सामने है ओके, डीमार्ट का यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल पे है, अगर इस सपोर्ट लेवल को इसने तोड़ दिया तो सीधे यहाँ पर आएगा ये 3200 के लेवल पे। आप इनको पता होगा कि 2600 के लेवल से इसने जो भागना शुरू किया था तो यहाँ पर लगभग पैसे आपके डबल करता हुआ दिखाई दिया था, लगातार गिरावट है, लगभग 42% की यहाँ पर गिरावट अपने टॉप से हो चुकी है और किसी बेहतरीन फंडामेंटल स्टॉक का इतना गिर जाना ओके यहाँ पर पछता हुआ नजर नहीं आता। तो यहाँ पर शायद यहाँ पर या यहाँ पर ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आए तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, बट अगर इस लेवल को भी अगर इसने सपोर्ट को क्रॉस किया तो सीधे यहाँ पर आने की कोशिश करेगा 2600 के लेवल पे। तो यहाँ पर बायोनटिप्स की रणनीति आप अपना सकते हैं, बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आई थिंक इसके रिजल्ट भी नहीं आए हैं, रिजल्ट भी आने वाले हैं तो आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर होती हुई नजर आएगी। तो देखिए मार्केट में ओवरऑल गिरावट है तो इसके आपको डरने की जरूरत नहीं है कि हाँ आपका ही पोर्टफोलियो नेगेटिव है, मोस्टली लोगों का नेगेटिव है। अब बात कर लेते हैं बिरला सॉफ्ट की। बिरला सॉफ्ट में मुझे दूर दूर तक सपोर्ट नहीं दिखाई देता ओके, बिरला सॉफ्ट यहाँ पर आके ही यहाँ पर दम लेता हुआ नजर आया, या तो ये 326 के आसपास आके यहाँ पर दम लेगा या फिर ये 341 के आसपास आके दम लेगा और फिर और गिरा तो फिर ये सीधे 300 रुपये पे आता हुआ दिखाई देगा। एक बेहतरीन जम थी इसमें और या और थोड़ा सा प्रे करिएगा कि ये शेयर और ना गिरे, अगर ये 305 को भी गिरा देता है तो सीधे शेयर मुझे ये बहुत बेहतरीन तरीके से गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो इस शेयर की तरफ आपको क्या करना है, ध्यान देना है। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर एक और स्टॉक की, माइंडट्री की। मैंने लास्ट टाइम जब बात करी थी तो मैंने आपको बता दिया था क्लियर कट कि ये यहाँ पर रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ये सीधा रुकता हुआ दिखाई दे रहा है इस लेवल पे ओके 2931, और 2931 को भी अगर इसने यहाँ पर क्रॉस किया तो सीधे यहाँ पर 2700 के आसपास आ सकता है। कंपनी में खराबी है, बिल्कुल भी खराबी नहीं है, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आ रहे हैं ओके, जब भागना शुरू करेगा तो यही कंपनी भागती हुई नजर आएगी, बट ये एक हर्डल्स होता है ओके, और यहाँ पर उन हर्डल्स को अगर ये निकाल के क्रॉस कर देता तो अच्छी बात, नहीं निकालता तो यहाँ पर चीजें बिगड़ती हुई नजर आ सकती है, तो उसे भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है, सारे एक्सपेक्ट को यहाँ पर ध्यान में रख के काम करना पड़ता है। अब बात करते हैं टीवी 18 की। तो टीवी 18 आप देखेंगे तो टीवी 18 में देखिए ये सब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये सपोर्ट नजर आता है, अगर ये सपोर्ट तोड़ा तो गिरता हुआ नजर आएगा, सपोर्ट यहाँ पर सारे टूटते हुए नजर आए, रिजल्ट बेकार आते हुए नजर आए, गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब इस सपोर्ट को भी इसने तोड़ दिया है, अब सीधा ये शेयर 3233 के लेवल पे नजर आता है, इसे हैंडल कर लिया ठीक, अदरवाइज गिरावट होगी तो इसी केस में नीचे आएगा तभी यहाँ पर आप खरीदेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा नेटवर्क 18 की बात कर लेते हैं। नेटवर्क 18 ने भी देखिए अपने सारे के सारे सपोर्ट लेवल को यहाँ पर तोड़ दिया है, इस शेयर में अब यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है 60 का लेवल, 60 रुपए के आसपास आके रुक जाता है तो ठीक वेल एंड गुड, और या फिर 58 के आसपास आके रुक जाता है ठीक वेल एंड गुड, अदरवाइज सीधे यहाँ पर 46 तक ये शेयर आ सकता है। तो यहाँ पर इस शेयर की तरफ भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है ओके, गिरता हुआ नजर आ रहा है, रिजल्ट दोनों कंपनी के बेकार आते हुए दिखाई दिए थे। CDSL ने अपने सारे सपोर्ट तोड़ दिए, इसका एक बेहतरीन सपोर्ट नजर आता था वो तोड़ दिया है, अब शेयर यहाँ की तरफ जा रहा है 1024, यहाँ रुक जाता है ठीक, रिजल्ट आ जाते हैं देख लीजिए और उसके बाद फिर चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देगी ओके। CDSL पे भी ये रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पर बताऊंगा, ये सारे शेयर गिरते हुए नजर आ रहे हैं याद रखिएगा। IEX का एक बेहतरीन सपोर्ट है, अगर इस सपोर्ट को आज या कल में ये तोड़ देता है तो याद रखिए चीजें सीधे नीचे आती हुई दिखाई देगी और ये शेयर 149 और 150 के लेवल पे भी आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो और यहाँ पर एक लेवल हो रहा है ये वाला A180 का,
180 को हैंडल कर लिया ठीक, वरना और भी गिरावट होती ही दिखाई दे सकती है। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, सारे बेहतरीन स्टॉक है और अच्छे लेवल पे मिलने की कोशिश हो रही है और सब कुछ यहाँ पर रिवर्स होता हुआ भी नजर आ रहा है, तो शायद फॉरन इन्वेस्टमेंट भी आता हुआ दिखाई देगा इस केस में, क्योंकि चीजें नीचे आ गई है तब वो खरीदेंगे जब चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, जितना हो सके सपोर्ट करिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।